बतौरे प्रेसिडेंट एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की तरफ से आपको ये जानकारी दूँ कि ये प्रपोजल जो वेयर हाउस और ट्रांसपोर्ट नगर था 2009 में हमने शुरू किया था, अब 2-4 महीने में इसमें गति बढ़ी है। जब से डीसी मैडम आए हैं, इन्होंने इस प्रोजेक्ट को लिया, लैंड आइडेंटिफाई की। पिछले दिनों में जब चीफ सेक्रेटरी साहब हाजिर हुआ तो हमारी गुजारिश थी, हमारी मीटिंग हुई उनसे, तो हमने कहा जी हमारा बहुत पुराना मुद्दा है उधमपुर का, ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अकेला मुद्दा नहीं है, ये उधमपुर के सभी लोगों का मुद्दा है। इसमें तो ये हम लोग इसमें समस्या में फंसे हैं, जाम लगते हैं, जेल लगते हैं। उन्होंने इस पर बड़े गंभीरता से सुना और उन्होंने कहा ये इमीडिएटली होगा, क्योंकि इससे पहले लैंड मैडम ने हमें डीसी मैडम ने आइडेंटिफाई कर दी थी, हमने विजिट किया था अलॉन्ग विद डॉक्टर जोगेश्वर प्रेसिडेंट म्यूनसिपलिटी, उनके साथ में हमने विजिट किया था, वो रेवन्यू के अधिकारी भी आए थे और वहाँ हमें उसी दिन भरोसा हो गया था कि ये काम शुरू होगा। अब जो मैं आपको बताऊँ, मैं गुमराह नहीं करूँगा आपके माध्यम से, अभी डीपीआर बनी है 24 करोड़ की, 26 करोड़ की, इसके बाद पैसा आएगा, लाजमी आएगा, जब डीपीआर बनता तो बन जाएगा। वो हमने गुजारिश कर दी है एडमिनिस्ट्रेशन को कि वो जल्दी से जल्दी उसका काम शुरू करे और वो हो भी जाएगा। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, ये प्रोजेक्ट में एक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा, बड़ी वर्कशॉपें खुलेंगी, उधर वेयर हाउस जाएगा, जो आप देखते हो होलसेल मार्केट है हमारी, वो इधर जाम में 9 तक 10 बजे तक एंट्री है उनको अनलोडिंग लोडिंग की, फिर ये उस एरिया में हम जाएंगे पूरा दिन आप काम कर सकते हैं। बहुत एक मैं कहता हूँ, मैं कभी यही कहूँगा जम्मू के पैटर्न पर बनेगा और जम्मू से आला बढ़ेगा। जो कमी पेशियाँ जम्मू में रह गई हैं उससे भी हमें जानकारी है, हम इसमें रिक्वेस्ट ही करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन को कि इस पैटर्न पर बने। इसमें कैफेटेरिया भी होगा, खाना पीने का। कब तक वेयर हाउस मिल सकता है, कब तक काम लगे? पैसा कितना वक्त लग सकता है? ये अभी पैसा आ जाना, डीपीआर बनी है तो डीपीआर जाएगी, पैसा सैंक्शन हो जाएगा, फिर जमीन जो है आइडेंटिफाई की गई है, कहाँ पे की गई है? यहाँ ये राउंड मेन में पुलिस चौकी है, उसके बगल में 150 कनाल जमीन है, हमारे 6-7 विजिट हुए उधर, फिर हमने जाकर बाकायदा ये रिपोर्ट बनी, फिर उसके एडमिनिस्ट्रेशन ने इसका ऊपर भेजे और चीफ सेक्रेटरी साहब ने उस दिन हमें विश्वास दिलाया था कि ये काम मैडम जी को कहा था, और डिपकॉम साहब भी आए थे, चीफ सेक्रेटरी साहब भी आए थे, उन्होंने कहा ये अगर आपका, हमने तो कह दिया था ये हमारा बर्निंग इशू है, तो उन्होंने कह दिया। और ये मैं खुशी प्रकट करता हूँ आपको कि इतनी जल्दी हो गया, डीपीआर आ गए, ये मुबारकबाद है उधमपुर के लोगों को, एडमिनिस्ट्रेशन को। डीपीआर बन, देखिए डीपीआर बनना तो एक अलग चीज़ है, अभी डीपीआर बनी है, उसके बाद प्रोजेक्ट साइन होगा, मतलब वहाँ पे डीपीआर के लिए पैसा सैंक्शन होगा, अभी इस प्रोसेस को वक्त लगेगा। ये कभी भी पैसा आ सकता है, पैसा डीपीआर बनने के बाद पैसा आता है सीधा, फिर उसके बाद टेंडर्स होते हैं, टेंडर्स होने के बाद ये काम शुरू हो जाएगा। सर कितना इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है या कितनी शॉप्स वहाँ पर खुल जाएंगी, इसकी कोई जानकारी हो? ये एक ब्लूप्रिंट बनेगा, पहले डीपीआर उस ब्लूप्रिंट बनेगा, उसमें हम रिक्वायरमेंट दिलवाएंगे, ये होलसेल मार्केट कितनी चाहिए, ये कितनी चाहिए, वो सिटिंग होगी उसमें निकलेगा, या डीपीआर के बाद वही एक आएगा कि डिमांड्स क्या है। और जब नक्शा, बेरोजगार जो उधमपुर के युवा हैं, क्या उनको मौका मिलेगा वहाँ पे काम करने का? बिल्कुल मिलेगा, जो वहाँ पे दुकानें होंगी वेयर हाउस में, जो दुकानें मिलेंगी, जो वो अलाट होंगी, या जो बड़े बड़े अधिकारी या बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है वही दुकानें ले जाएंगे, और जो नए हैं, जो नए बिजनेस एंटरप्रेन्योर है, जो लोग, जो युवा जो काम करना चाहते हैं, उनको भी मौका मिलेगा? मिलेगा, पक्का मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट दूर होगी इस ट्रांसपोर्ट जॉब से। इसमें कुछ ऐसा क्राइटेरिया रखा कि जितने बिजनेसमैन है उनको तो मिलेगा, लेकिन जो अनएम्प्लॉय यूथ है उनके लिए भी कोई क्राइटेरिया होगा, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं और उनको भी दुकान शॉप्स वगैरह। इसमें पता क्या करेंगे, हम मीटिंग करेंगे मैडम से, देखेंगे क्या है, मगर इसमें सबसे बढ़िया बात क्या होने वाली है, आप देखो, अब उधमपुर मार्केट में आपको दुकानें नहीं मिलती, अगर मिलती है तो पगड़ी बड़ी है,
अगर आप म्यूनसिपलिटी की दुकान देखें उनकी कीमतें कहीं के कहाँ चली गई। अभी मेरे सामने जो सैला तालाब में टेंडर्स हुए कहीं, इसमें मुझे लगता है बड़ा सब्साइड रेट पर काम होगा और रोज़गार निकलेगा। और सबसे बढ़िया बात होगी कंस्ट्रक्शन टाउन में कम होगा ये, और शहर में जो जाम लगते हैं वो भी कम होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि ये जो ट्रांसपोर्ट वेयर हाउस जो आप बीते सालों से हमें सपोर्ट कर रहे हैं, और ये आपको बताऊं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया का बड़ा योगदान है, हमें उन्होंने बहुत सहाया है। और आपके मैं आपको भी मुबारकबाद देता हूँ, जितना आपने इसको मीडिया में दिखाया वो भी प्रेशर बना और ये काम। अंत में एक सवाल है सर, अगर DPR बनने जा रही है, बन गई है, काम लगा नहीं है, तो फिर इसकी वाह वाही क्यों हो रही है? मैं आप खुद परेशान हूँ कल का कि ये लोगों ने क्या कर दिया। अभी DPR बनी है, कोई बात नहीं, DPR प्रोसेस है, DPR बन गई है। अब मैं इसमें गहराई में नहीं जाना चाहता हूँ, मैं इतना ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने इतना जल्दबाजी में, अभी पैसा नहीं आया, DPR बनी।